नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश हम न्यूज इंडिया के लोग। हर रोज इस वक्त हम आपसे मिल रहे हैं और एक नए शख्स के साथ। आप ये जान ही गए होंगे कि हमारी इस मुहिम की जो पहल है वो ये है कि जो पीछे के पर्दे के पीछे के लोग हैं उनको आप तक पहुंचाना, यानी सिर्फ जो एंकर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, बल्कि उनके पीछे जो जितनी मेहनत करते हैं उस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए वो भी हमारे साथ है। फिलहाल आज हमारे साथ है कौशल जी जो एसोसिएट सीनियर प्रोड्यूसर है। कौशल जी, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए। कैसा लग रहा है आपको न्यूज इंडिया की ये नई पहल देखकर? बहुत बढ़िया है। देखिए, मेरी भी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ टेलीविजन की जिंदगी में अलग किया जाए, तभी लोग उसे देखना पसंद करते हैं। होता क्या है कि जो स्क्रीन पर चमकते हैं, देखते हैं, जो एंकर है, रिपोर्टर है, उनको तो सब जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की जो मेहनत होती है एक फिल्म को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए, जो स्क्रिप्ट होती है, एडिटिंग होती है, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है हमेशा। तो मैं भी सोचता था कि पर्दे के पीछे मैं स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ा अच्छे कर लेता हूँ, तो मैं सोचा कि इस फील्ड में अपना मुकाम बनाया जाए और वो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम न्यूज़ इंडिया की पहल जो है शानदार है, हम लोगों को कम से कम एक मंच तो है दिखने का। बिल्कुल। तो यूपी के माओ से आप आते हैं, तो सबसे खास बात वहाँ पर क्या है और जो जिसको आप अभी भी याद करते हैं, और शुरुआत वहाँ पर आपने अगर पढ़ाई की है तो कैसे की कि यहाँ तक आज आप पहुँचे? देखिए, मैं यूपी के मऊ शहर से रहने वाला हूँ। बनारस से आगे जाएंगे तो तमाम पूर्वांचल के इलाके हैं, एक से एक फेमस मऊ। हैंडलूम की नगरी है, पावर लूम जो हमेशा खट 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 करते आवाज़ चलती है, साड़ी लुंगी ये सब बहुत वहाँ की फेमस चीज़ें हैं, और गंगा जमुनी तहजीब का इलाका है। तो उस छोटे से शहर से पैदा हुआ, मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे, तो जो होता है गांव देहात के लोगों की छोटी सी इच्छाएं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, चलो देखेंगे कभी मौका मिला तो पढ़ते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे तो लगता था कि चलो कुछ डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हाँ, क्योंकि वहाँ के यूपी के लोग तो ज्यादा यही सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर टीचर, इससे ज्यादा हम जाते ही नहीं। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक मंच मिलेगा कभी तो ऐसा काम करेंगे। पढ़ता रहा तो अखबारों के पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, तो मुझे लगता था अखबार छपता कैसे है, आता कैसे, क्योंकि वो जमाना अखबारों का था, होती थी। हाँ, कि वो इतने बड़े बड़े लेख आ जाते हैं, खबरें आती हैं, अगले दिन आता था, लेकिन अच्छा लगता था। तो वो एक जागृत हुई मन में कि कुछ किया जाए लाइफ में, तो हम लिखना पढ़ना शुरू किए, और ये था कि कभी बड़े शहर में जाएं तो कुछ करने का मौका मिलेगा। तो 12वीं तक मैंने अपने मऊ जिले से पढ़ाई की, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, इसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी माना जाता है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत मन था। तो जब 1991 पास आउट हुआ 12th, तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और हो गया। तो जब हो गया तो पहुंच गया इलाहाबाद शहर, अपने आँखों में सपने लिए हुए। तो जब एडमिशन लिया तो वहाँ का माहौल एकदम अलग है। वहाँ क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सिविल सर्विसेज का बहुत क्रेज़ है। आईएएस पीसीएस इलाहाबाद में, तो आपके दिमाग में नहीं आया? बहुत आया, दे रहे थे। तो मेरा जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, तो मैं सोचता था, देखता था ज़्यादा सीनियर से जब मिलता था तो ज़्यादा लोग हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लोग प्रिपरेशन करते थे। तो मैं भी धीरे धीरे सीनियर्स के टच में आया, मिलना जुलना शुरू किया। तो फिर मेरी इच्छा बढ़ी कि चलो यार आईएएस के लिए एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस के लिए एग्ज़ाम देते हैं, अधिकारी बनेंगे, रुतबा रहेगा, तो जनरल नॉलेज तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर भी चाहिए, बिल्कुल वही काम आ रहा है, उसी को हम लोग बेच रहे हैं। तो उसके बाद से मैंने शुरू किया जनरल नॉलेज की ओर अपना ध्यान फोकस करना शुरू किया, तो अच्छा हो गया, कैच थोड़ा चीज़ों को मैं जल्दी कर लेता हूँ, तो अच्छा बन गया। तो देता रहा, जब ग्रेजुएशन किया तो ये हुआ कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, तभी थोड़ा समाज में रहेगा भी कि हाँ पीजी किया हुआ तो एग्ज़ाम दे लेंगे। तो पीजी करने वगैरह मैंने मेडिकल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से पीजी किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो हमारी टीचर थी जो अभी वो मिनिस्टर बन चुकी हैं, रीता जोशी जी, तो रीता जोशी जी से मैंने हिस्ट्री पढ़ी, उन्होंने एक एक बारीकियाँ समझाई, मेडिवल, मॉडर्न, एंशेंट हिस्ट्री, तीन हिस्ट्री हम लोग जाने, आप ये सारी चीज़ें पढ़ो, आगे यही काम आएंगे। तो तैयारी करता रहा और सिविल में एग्ज़ाम जब देने गया तो अपना सब्जेक्ट भी हिस्ट्री रखा। तो कौन सा एग्ज़ाम दिया था? सिविल का, पीसीएस का दे रहा था, आईएएस का भी दे रहा था, हालांकि फाइनली तो सक्सेस हुआ। आपने एग्ज़ाम दिया? हाँ, एग्ज़ाम दिया, होता है आगे के चरण है। तो मन भटकता रहता था, मुझे लगता था यार एक बंद कमरे में एक साल पढ़ो और नहीं होती है तो एक साल आपका फेलियर हो जाता है, तो फिर क्या करूँ। तो वहाँ रखे ढेर सारे लोगों के टच में आता था, अधिकारी भी मिलते थे, पत्रकार भी मिलते थे, तो वहाँ मैंने बीजीएमसी में एडमिशन लिया।
जब पीजी कर लिया तो पीजी करने के बाद बीजीएमसी में, पीजी करने के बाद बीजीएमसी में एक टीचर थे। ऐसा मन क्यों बदला? मन इसलिए बदला कि हम लोग एक सुनील उमराव टीचर थे हमारे वहाँ के जो जर्नलिज्म मॉस्कॉम डिपार्टमेंट के जो हेड थे सुनील उमराव सर, वो मुझे मिले तो उन्होंने बहुत कुछ दिखाया, वीडियो देखो ये देखो, वो जाते थे लोगों से मिलते थे चारों से, और हम लोग सोचते थे कि आ रहा है इस नेता और ये सर सीधे चले जाते हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो अच्छा लगता था यार फ्रीडम आपको अच्छी लगने लगी, ये फ्रीडम मुझे भी चाहिए कि इस पेशे में आया जाए तो वहां तक हम भी पहुंच सकते हैं, भीड़ से अलग हट के कुछ तो रहेगा। तो उन्होंने फिर सिखाना शुरू किया तो कहा कि एडमिशन ले लो, तैयारी करो, एंट्रेंस होता है हो जाएगा, तो पढ़ो हमारे यहाँ, उससे पीजी हुए। तो मैंने जब एंट्रेंस दिया तो हो गया, तो जर्नलिज्म का दौर वहां से मेरे पत्रकारिता का करियर शुरू हुआ। उसके बाद फिर कैसे ये सीडी आगे बढ़ा, आप सीडी पर आगे कैसे हैं? तो उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ कर लिया तो एक सीनियर थे हमारे विवेक सपूतन, तो हॉस्टल में मेरे कई सारे दोस्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उनसे जब मिलने जाता था तो वो वहाँ आते थे, तो वो यहाँ पे दिल्ली में IMC के हमारे सीनियर थे, तो उस समय जॉब करते थे, तो वो आते थे तो बताते थे कि देखो मैं इनसे मिलता हूँ, ये मिलता हूँ, तुम लोग करो लाइफ में, एक कमरे में पढ़ के तैयारी करते हो, IMC का नाम सुना है? हकीकत माने हम लोग सुने नहीं थे कभी, उनसे ही सुने IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो बहुत फेमस है। तो ना एक ही पत्रकार का संस्थान है जहाँ आपको एग्जाम देने के लिए भी सिविल टाइप से तैयारी, तीन एग्जाम होते हैं वहाँ पर, इंट्रेंस, ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू। तो उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अमित गुप्ता बोला कि यार चलो इसको भरते हैं, देखा जाएगा। तो हाँ सब कुछ हो गया था, पीजी भी कर लिया था, तो ये हुआ कि चलो एग्जाम देते हैं। तो हुआ क्या कि दिल्ली चलना पड़ेगा यार, पैसा लगेगा, ये वो, छोटे से परिवार से आते थे तो उतना पैसा नहीं था, तो ये हुआ कि नहीं यार लखनऊ में, हम लोग UP से हैं तो लखनऊ में सेंटर इसका पड़ेगा, तो ये हुआ कि चलो लखनऊ घूमेंगे, कोशिश करते हैं। हाँ तैयारी तो अच्छी थी पत्रकार, तैयारी जनरल नॉलेज की थी, तो चलो अच्छा है देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग लखनऊ गए, लेकिन घूमने की इरादे से, इमामबाड़ा देखेंगे, लखनऊ जू देखेंगे, चल के हजरतगंज घूमेंगे, वो गलियों में चलेंगे, बंद मक्खन खाएंगे, तो ये सबका शौक था घूमने फिरने का। तो गए, एग्जाम दिए, एग्जाम दे के जब हम लोग निकले तो अरे यार सारे क्वेश्चन सही हम लोगों के, ये हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मेरे दोस्त ने बोला हाँ यार ये तो बड़ा इजी है, हो गया आराम से, तो ये हुआ कि चलो देखा जाएगा। फिर क्या हुआ, घूमे फिरे और शाम को गंगा गोमती ट्रेन चलती है, अभी चलती है, तो हम लोग गंगा गोमती ट्रेन से पकड़ के इलाहाबाद वापस आ गए, भूल गए एग्जाम दिया, भूल गए। तो फिर मैं अपने घर चला गया, तो जब घर गया तो वो तब लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना हुआ करता था, तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि अरे यार रिजल्ट आ गया एंट्रेंस में, तो हम लोग का हो गया, बड़ी खुशी हुई यार IIMC में हो गया हम लोग का एंट्रेंस में, तो ये बात ग्रुप डिस्कशन है और इंटरव्यू है, अब इसको भी फेस करना है, तो चलो परमिशन लो पापा से, अपने पूछो, मैं भी ले रहा हूँ। दोनों लोगों के पेरेंट्स राजी हो गए, उसके बाद से दिल्ली आए, फिर ये सफर दिल्ली में शुरू, दिल्ली में शुरू हुआ। लेकिन उस दिल्ली आने की जो एक कहानी है कि दिल्ली सुना था, लेकिन दिल्ली और नई दिल्ली दो अलग अलग रेलवे स्टेशन है, ये मुझे नहीं पता था। मुसीबत ये हो गई कि ब्रीफकेस का जमाना था, बैग पे टांगने वाला था जमाना, हमारे पास ब्रीफकेस में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे, और मेरे एक दोस्त थे उनके पिताजी रेलवे में थे, तो वो कहे चलो मैं तुम्हारा बुक कराता हूँ, तुम इस ट्रेन को पकड़ के दिल्ली पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से चले जाना। तो मेरा भाई यहाँ रहता था जो नौकरी करता था दिल्ली में, छोटा भाई, तो मैंने उससे बता दिया, तो कहा ठीक है आ जाइए, उसने अपना एड्रेस जो है लिखवा दिया मुझे, तब चल गया। मोबाइल का जमाना नहीं था, तब धीरे धीरे मोबाइल आ रहे थे, तो डायरी पर नोट करो सब कुछ, जाओ और संभाल के रखो कि वो गिरे नहीं, तो जेब में एड्रेस डाल लिया और चल पड़े। आए तो वो ट्रेन उतरी नई पुरानी दिल्ली स्टेशन पर दिल्ली, अब मैं टेंशन में आ गया यार, तो नई दिल्ली बोला था, ये तो दिल्ली लिखा हुआ है। तो किसी तरह पूछते पूछते मैं स्टेशन के बाहर आ गया। अब जब बाहर आ गया तो मेरे भाई ने बोला था कि ये नंबर बताया था कि इस नंबर की 17 नंबर की पकड़ के वो आजादपुर आता था सब्जी मंडी के पास, कि आप आजादपुर आ जाना, वहां से एड्रेस पूछते हुए किसी से आ जाओगे। जब बाहर आए तो मैं गलती से अगेंस्ट, मतलब वो रूट नहीं था बस का, और मैं दूसरे साइड चला गया। अब दूसरे साइड जब चला गया तो मैं वहां सड़क पे खड़ा हूँ, रात के 10 बज गए और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, एकदम मैं लगता था ये रो दूंगा दिल्ली में, किसी अपनी कहानी, वो डर था डॉक्यूमेंट से कुछ हो ना जाए।
तो मुझे सरदार जी मिले, उन्होंने पूछा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? मैंने बताया ऐसी सी बात है, मुझे आजादपुर जाना है और 17 नंबर की बस तो आई नहीं अब तक। तो कहा कि बेटा आप गलत रूट पे खड़े हो, आप अपोजिट साइड आ रहे हो, एक नए शहर में कोई आपको मिला। तो उन्होंने कहा आप खाना ना खाए, नहीं तो कहे आप होटल में खाना खा लो और सड़क क्रॉस करके उधर जाओ, वहां जाके पकड़ लो। तो रात में बस आई, जब मैं उस साइड गया खाना ना खाने के बाद, तो जब आजादपुर सब्जी मंडी के पास उतरा तो मैं जब गली में एंटर किया ढूंढते एड्रेस, तो मेरा भाई और मेरे भाई के दोस्त मुझे ढूंढ रहे थे गलियों में कि कहाँ है, अब तक आए नहीं, ट्रेन तो बहुत पहले आई। तो खैर पहुंचा, अगले दिन बस पकड़ के IMC कैंपस पहुंचा। वो बड़े बड़े पहली बार हम लोगों ने बड़ी सी बिल्डिंग देखी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो बड़ा था, दिल्ली में आया इतना बड़ा, यार काश हो जाए यहाँ पे। और छोटे से गाँव से आए थे तो वहाँ बड़े एक वर्ड है हाई फाई, लड़के लड़कियां दिखे, मतलब लगा कि यार हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, छोटे से शहर से आ रहे हैं। और इंग्लिश का वो क्रेज जबरदस्त था, जो वहाँ बात कर रहा है जिसके फैमिली में आया था इंटरव्यू लाने, सारे लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। तो बड़ा टेंशन किया, इतनी तो आती नहीं करेंगे क्या, और इंटरव्यू बोर्ड में बड़े बड़े लोग बैठते हैं पता चला था। खैर गए, पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो उसमें इराक की लड़ाई हुई थी, इराक अमेरिका की। 3 मिनट हमें समय दिया गया, 3 मिनट आपको एक टॉपिक पे बोलना है। जितना जनरल नॉलेज का ज्ञान था मुझे, मैंने इराक वहाँ पे पूरा उड़ेल दिया, जम कर बताया। कितने लोग बैठे थे उस दौरान सामने? चार लोग थे। और क्या जो इंटरव्यू देने आए थे वो और भी बच्चे थे? ढेर सारे बच्चे थे, सबके सामने एक व्यक्ति को बोलना? नहीं, इंटरव्यू लेने वाले 4 लोग थे जो जर्नलिस्ट थे और वहाँ के IMC के कुछ फैकल्टी मेंबर थे। स्टूडेंट बहुत सारे आए थे, वन बाई वन बुलाया जा रहा था अंदर। तो जब मेरी बारी आई तो 4 लोग देख के, उसमें से नाम क्या बताऊं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट भी बैठे थे, वो आदमी हैं। तो गए तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, कहाँ से आए हो। सबसे अजीब सवाल जो हम पत्रकार को सामना करना पड़ता है इंटरव्यू के बाद, आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हो, इसका कोई जवाब नहीं मेरे ख्याल से। आपके अंदर लिखने पढ़ने की कुव्वत है, आप अच्छा लिखते हो, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप बन सकते हो, यही चाहिए। तो मैं, मुझे जितना लग सकता था उस उम्र में उस दौर में मैंने बताया। फिर उसके बाद मुझे वो टॉपिक दिया गया इराक पर, मैंने पूरा बताया, ठीक है चलिए आपको बताया जाएगा। उसके बाद 2 दिन बाद रिजल्ट निकला, IMC में हो गया, तो बड़ी खुशी हुई। और संयोग से मेरा जो दोस्त, मेरा रूममेट जो आया था इलाहाबाद से, अमित गुप्ता, उसका भी हो गया, तो दोनों का साथ में हो गया। तो ये हुआ कि चलो यार अच्छा है, अब इसी को किया जाए। मैंने कहा चलो, जब लौट के पिताजी को बताया तो बहुत खुश हुए। हालांकि पिताजी उसके पट में नहीं थे कि दिल्ली जाओ, लेकिन उन्होंने किसी से बातचीत की, तो उन्होंने बताया दोस्तों ने, हाँ तो परमिशन दे दी, उसके बाद पढ़ने आ गया दिल्ली। 1 साल आपने फिर IMC से पढ़ाई की, तो उसके बाद कैसे जॉब के लिए, कैसे जॉब लगी, क्या IMC से ही आपकी? हाँ, IMC में ये होता है कि आप वहाँ पे नाम है IMC का, तो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं वो आते हैं, वहाँ इंटरव्यू करते हैं, आपका रिटन टेस्ट लेते हैं, जिसका जैसे सिलेक्शन होता रहे वो अपना जाता रहता है। तो हमारे दौर में भी आए ढेर सारे ऑडिशन, सब बच्चों का होता गया, तो मेरा भी DD News में हो गया, तो मैं DD News जाकर ज्वाइन कर लिया। तो कैसा एक्सपीरियंस था पहला आपका, मतलब पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत सारा फर्क। सबसे पहले उस जमाने में इतना रिसोर्सेज नहीं थे, मोबाइल का जमाना अभी आ रहा था, तो आपको हर चीज डायरी पेन लेकर नोट तो नहीं करनी है, पत्रकार के पास पेन जरूर हमेशा, हाँ बिल्कुल वो नोट करनी है। दूसरी बात, लोकेशन पे जाइए, प्रिंट में क्या है, आपको ऑफिस में बैठे बैठे कोई प्रेस रिलीज भेज दिया, फोटो भेज दिया आपने वही पे, टेलीविजन में क्या है, आपको ऑन द स्पॉट लोकेशन पे जाना है, PTC करनी है तो करना है। वो दौर उतना फास्ट नहीं था, उतना तेज नहीं था, इतना हाँ। तो वो क्या हुआ कि तो जब गए तो अब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वहाँ पे पूरा इंडिया टूर करना पड़ता था, 4 प्रोग्राम मुझे दे दिए गए थे, मैं उसका प्रोड्यूसर था, तो स्क्रिप्ट भी लिखता था, रिपोर्टिंग भी करता था, और रिपोर्टिंग भी करते थे, हाँ बिल्कुल। तो आपको तो फील्ड की भी बहुत नॉलेज है, बहुत सारी, 4 साल में मैंने बहुत सारा फील्ड रिपोर्टिंग किया है, ढेर सारी स्टोरी की, जो भी उस दौर की 2004 से 2008 तक के दौर की जो भी बड़ी बड़ी स्टोरी हुई वो मैंने कवर किया। अच्छा लगता था, सोचता था कि यार पहचान कोई अलग बने। जब फील्ड में जाता था
तो लोगों से मुलाकात होती थी, लिंक्स मिलते थे, तो संबंध तो बनते, इज्जत भी मिलती थी। कई बार थोड़ा अजीब सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता था, सामने वाला नाराज है तो कुछ क्लैश भी हो जाता था, लेकिन इतना था कि आप हम्बल बने रहो, आपको जनता को संदेश देना है कि ये सही है ये गलत है, गलत सही हम नहीं डिसाइड करते, लेकिन आप एक मैसेज दे सकते हो। तो शुरुआत आपने फील्ड से ही की थी, फील्ड रिपोर्टिंग से? फील्ड से अचानक डेस्क पे, लोग डेस्क से फील्ड पर जाना पसंद करते हैं, आपका तो उल्टा ही था, मतलब क्यों ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? जब मैं उसके बाद पहले अग्निशन में दूसरी अग्निशन में गया तो वहाँ भी थोड़ा रिपोर्टिंग किया। मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे लगता था कि मैं एक स्टोरी को लेकर जो सोच सकता हूँ उसको क्यों ना अपने शब्दों में पूरा लिखूँ, सब कुछ मेरा फाइनल किया हुआ जाए तो वो एक अच्छा मेरे लिए हो सकता है। तो मैं क्या हुआ, जब दूसरे अग्निशन में गया तो किसी सब्जेक्ट पर मुझे दिया गया हाफ एन आवर स्पेशल बनाओ, तो मैं जब वहाँ गया तो वर्ड्स के जरिए, विजुअल कम थे लेकिन उन विजुअल को देखते हुए वर्ड्स के जरिए मैंने हाफ एन आवर स्पेशल बनाया और वो स्टोरी बॉसेस को पसंद आ गई थी, कहीं यार आप तो डिस्प्ले बहुत बेहतर कर सकते हो, आपको डबल मेहनत भी पड़ती है। तो मैंने कहा सर मैं दोनों काम कर लूंगा, लेकिन मुझे अब थोड़ा मन भी लगने लगा डेस्क तो दूसरे रिपोर्टिंग में क्या है, थक गए थे रिपोर्टिंग में, क्या है कि 24/7 से आपको लगे रहना पड़ता है, कभी भी लाइव देना पड़ सकता है, कुछ भी जाना पड़ सकता है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है। तो मुझे लगा यार थोड़ा सा तो रिलैक्स जरूरी है, दिन भर भागते रहते हैं ये वो, तो मुझे वो थोड़ा हो सकता है कह सकते हैं आलस भी हो सकता है, या फिर मैं मुझे अच्छा लगने लगा कि डेस्क पे रहो काम करो मस्त है, एक वन बाई वन शो मिलते रहते हैं, आप बुलेटिन चलाते हो, रनडाउन पे हो, जहाँ पे भी हो आपको खबरों के बीच रहने का मौका मिलता है और अपनी राइटिंग स्किल से बहुत भी बेहतर कर सकते हैं। तो बॉसेस को जब मेरा शो पसंद आ गया तो मैं पूरी तरह डेस्क पे हो गया, उसके बाद मैंने बहुत सारे बेहतर शो निकाले। अब आपको कैसा लगता है, क्या ये डिसीजन सही था डेस्क पर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसी की वजह से मेरी पहचान बन गई है। हाँ मैं बीच में जब देख लिया तो मैं एकेडमिक्स में भी गया, मास कम्युनिकेशन का हेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीनियर फैकल्टी बन के गया, उसके बाद में अपने जो अच्छी परफॉर्मेंस थी तो संस्थान ने मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बना दिया। तो जब मैं वहाँ गया तो पहली बार बच्चों के साथ काम करके, स्टूडेंट के साथ, बच्चे क्या स्टूडेंट, एक बार पढ़ रहे थे जर्नलिज्म, हाँ, आप वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि दूसरा संस्थान था, तो जब मैं गया तो जमाना हम लोग के दौर से काफी आगे जा चुका था, डिजिटल जमाना हो गया था। तो जब डिजिटल जमाना था तो उसमें क्या है, सब कुछ तुरंत चाहिए, आप जो कुछ भी कर रहे हो बच्चे के पेरेंट्स देखें कि मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है तो क्या करें। तो जब मैं कॉलेज में गया तो एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, वहाँ के बच्चों की मेहनत थी, उन सबों ने बोला या सर कुछ किया जाए, हम लोग जो करते हैं वो दिखना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बताओ क्या किया जाए, उनका सर यूट्यूब चैनल लॉन्च कर देते हैं, कॉलेज में बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। मैंने कहा रे तो बढ़िया चीज़ है। तो YouTube जब चैनल लॉन्च हुआ बहुत कम समय में उसके काफ़ी सब्सक्राइबर हुए, वो हिट इस वजह से हुआ कि जो स्टूडेंट थे उनके अपने कॉन्टेक्ट थे ही, वो शेयर करते थे, प्रैक्टिकल करे दिन भर कॉलेज करते थे हाफ टाइम में, सेकेंड हाफ में आकर वो प्रैक्टिकल करते थे, मतलब उनको मैं PTC करना, रिपोर्टिंग करना, स्क्रिप्टिंग करना, एक शो निकालना, 2 मिनट्स की स्टोरी या 1.5 मिनट की स्टोरी, सारा कुछ न्यूज चैनल जैसा मैंने वहाँ पे बना डाला। फील्ड का भी आपको पता है, आपको जो न्यूज रूम में काम होता है उसका भी आपको पता है, तो बच्चों को तो अच्छे से सिखा पाया। मुझे उसी का फायदा मिला, वहाँ पे जाकर उसी का फायदा मिला। जब मैं गया तो अपना जो जर्नल का जितना एक्सपीरियंस था मैंने पूरा झोंक दिया। आज तो टीचर्स डे भी है। हाँ टीचर्स डे है, बहुत सुबह से मैं, मुझे अच्छा लगा कि वो बच्चे जो है मुझे आज भी याद करते हैं, फोन कर, कुछ बहुत क्लोज है तो उन्होंने फोन करके भी मुझे विश किया। तो मैंने बताया कि देखो वो तुम्ही लोगों का है जो रिस्पेक्ट है, मुझे काम आ रहा है, और ग्रुप बने हुए तमाम ग्रुप से मैं ऐड हूँ और ढेर सारे मैसेज आ जाते हैं, कुछ जो बहुत क्लोज है उनसे मैं मिलता हूँ, खाता भी, उनके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स आते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है वो मुझसे मिल के जाते हैं, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी की, देखो मेरा पढ़ाया वो बच्चा आज ये काम कर रहा है। तो उस यूट्यूब चैनल से हुआ क्या कि न्यूज रूम जैसा माहौल बना और बच्चे वहाँ आकर काम कर रहे थे और तुरंत जो है अपलोड करते थे और उन लिंक को अपने माँ बाप से शेयर करते थे कि हम ये पढ़ रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता था कि मेरा बेटा ये कर रहा है, सीख रहा है। अब का दौर ऐसा है, आपने भी देखा होगा कि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल इस फील्ड में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप क्या है किताबी ज्ञान जो है, किताबी ज्ञान का ये है कि आप उसे अपने वर्ड्स में निकालो, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल लाइफ से कॉन्टेक्ट नहीं करोगे वो सक्सेस नहीं आ जाएगा।
कौशल जी, न्यूज इंडिया के लिए क्या कैसे खबरें आप लिखेंगे कि जो एंकर है वो प्रेजेंट करे? बिल्कुल, जाते जाते ये बता दें। शो आ रहा है, तमाम शो की डिजाइन अभी हो रहे हैं, बन रहे हैं, मुझे भी प्राइम टाइम की जिम्मेदारी दी गई है, तो उस शो को कुछ हम अलग करेंगे, इंडिया के लोग से कनेक्ट करते हुए कि इंडिया के लोग क्या चाहते हैं, कैसी खबरें चाहते हैं, कैसी खबरें वो पसंद करेंगे, हम जनता की आवाज उठाएंगे, उन तक जाएंगे और उनके मुद्दों को पुरजोर कोशिश करेंगे कि हम सत्ता तक पहुंचाएं और समझ में आए लोगों को कि क्या हो रहा है देश। बिल्कुल, ऐसी खबरें दिखाएंगे जो लोगों को आसानी से समझ आए और सच दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इस लाइव में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे, इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और जाते जाते आपसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे जो डिजिटल पेज है हमारे न्यूज इंडिया का, वो जरूर देखें और खबरें पढ़ें उस पर।